पार्टी की अंदरूनी कलह के बीच आज दिल्ली आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। कल नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से हो सकती है मुलाकात। यूपी के सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के 6 साल पुराने मामले में दर्ज कराया बयान। चरणजीत सिंह चन्नी के खालिस्तान प्रेम पर फजीहत के बाद कांग्रेस ने काटी कन्नी। जयराम रमेश बोले, अमृतपाल पर चन्नी का बयान निजी, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। दिल्ली आ रही है ममता बैनर्जी, कल नीति आयोग की बैठक में लेंगी हिस्सा। रवाना होने से पहले बोली, बैठक में बंगाल के साथ राजनीतिक भेदभाव के खिलाफ उठाऊंगी आवाज। कारगिल विजय दिवस पर पीएम मोदी का पाकिस्तान पर सीधा हमला, बोले पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। आतंक के आका मेरी बात सुन ले, भारत अपने दुश्मनों को हमेशा मुंहतोड़ जवाब देगा। अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, बोले सेना के रिफॉर्म पर राजनीति गलत। अग्निपथ का लक्ष्य सेना को युवा बनाना, लेकिन सेना के नाम पर घोटाला करने वाले लोग युवाओं को कर रहे हैं गुमराह। नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अंतरिम रोक का आदेश जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट बोला, हमारा आदेश साफ है, अगर कोई नाम लिखाना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, जो ना लिखना चाहे उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता। रात भर की बारिश के बाद बेहाल हुई दिल्ली, कई इलाकों में भरा पानी, जलभराव की परेशानी, कई इलाकों में ट्रैफिक जाम से लोगों के छूटे पसीने। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश से हाल खराब। आज से शुरू हो रहा है खेलों का महाकुंभ, रात 11 बजे पेरिस ओलंपिक का रंगारंग आगाज। ओपनिंग सेरेमनी में हॉलीवुड सिंगर लेडी गागा करेंगी परफॉर्म।